हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट स्टडी। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को तो डू सब्सक्राइब इट एंड साथ ही साथ डू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। गाइस, दिस इज़ अ फेसबुक पेज और आपने अगर इसको अभी तक जाके फॉलो नहीं किया है तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप इसको फॉलो करें, बिकॉज ये पेज अपने में एक कम्प्लीट पैकेज है। हर एक जॉब रिक्रूटमेंट की डिटेल्स, हमारे यूट्यूब चैनल के लेक्चर्स का शेड्यूल, करंटली जो JKSSB अकाउंट असिस्टेंट की ऑफिशियल अपडेट्स आ रही हैं वो सारी इस पर शेयर की जाती हैं। बिकॉज हर एक छोटी चीज़ के लिए वीडियो बनाना इज़ नॉट अ वायबल ऑप्शन, तो आई होप आप सब इस पेज को फॉलो करें एंड इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना मेल आईडी भी शेयर कर दिया है, तो यू कैन मेल मी इफ़ यू हैव एनी क्वेरी। ओके, तो मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी स्टूडेंट्स की कि ये जो सिलेबस है 2017 का, इसके अकॉर्डिंगली पढ़ाया जाए। तो इसके अकॉर्डिंगली जो टॉपिक्स है हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। मैंने जो सेकंड टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K, इस पर पहले वीडियो बना दी हुई है, तो आज हम थर्ड टॉपिक को करेंगे। ये है 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इस वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। एक्चुअली ये वीडियो कल ही अपलोड हो जानी थी लेकिन मेरी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं थी तो इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया। आप में से बहुत लोगों की विशेज आई थी मेरी हेल्थ को लेके, तो उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू यू एंड आई एम फीलिंग अ लिटिल बेटर। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो ये क्लास 9th है अब हमारी। 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। इससे पहले 8 लेक्चर हो चुके हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आई वुड एडवाइस यू कि आप उन्हें देख लें। प्लेलिस्ट बनी हुई है JKSSB नाम से, तो 8 लेक्चर को आप देख सकते हैं, साथ साथ रिवाइज भी करिएगा, नोट्स बनाइएगा। तो चलिए अब इसे शुरू करते हैं। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है विद पंचायती राज, ठीक है। किसके साथ डील करता है? ये पंचायती राज के साथ। अब पंचायती राज को हम इजी शब्दों में अगर बोलें तो वो हो गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट काम करती है हमारी, उसको हम कहते हैं पंचायती राज, ठीक है। ये अमेंडमेंट हमारे संविधान में 1992 को आया था, ठीक है। 1992 को ये हमारे संविधान में अमेंडमेंट किया गया था। और ये किया किसने था? ये किया था बलवंत राय कमेटी ने। बलवंत राय कमेटी ने ये अमेंडमेंट किया था। तो इसमें हुआ क्या था बेसिकली, इन्होंने क्या किया कि जो लोकल लेवल पे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन थी ना, उन्हें तीन भागों में डिवाइड कर दिया। तीन भाग कौन से थे वो? पहला भाग था ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या हो गया? जो बिल्कुल ही निचले स्तर पे विलेज लेवल पे होता है उसे हम कहते हैं ग्राम पंचायत। दूसरा भाग था हमारा मंडल परिषद। मंडल परिषद क्या हो गया? ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल इन द सेंस कि जब बहुत सारी विलेजेस मिलती हैं तो एक ब्लॉक बना देती हैं वो, तो वो हो गया मंडल परिषद। और जो थर्ड लेवल था, जो सबसे ऊपर था, वो था जिला परिषद। जिला परिषद हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। तो बेसिकली इसका मोटिव ये था कि पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाए, ठीक है। सब कुछ गवर्नमेंट नहीं देखे, हमें लोकल आदमी जो है वहाँ पे उनके हाथों में पावर देनी है ताकि पावर डिसेंट्रलाइज हो जाए। तो अब हम टेक्स्ट देखेंगे, जितना मैंने आपको पीछे पढ़ाया था उसका टेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। जो भी मैं आपको पहले समझाता हूँ उसको पहले ध्यान से सुनना है, उसके बाद इन टेक्स्ट पे जाना है, तभी ये टेक्स्ट आपको अच्छी तरह समझ आएंगे, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन है, इसमें यही बताया गया कि जो पंचायत राज है उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। जो लोकल लेवल पे हमारा सिस्टम चल रहा है गवर्नमेंट का, वो पंचायती राज हो गया। अमेंडमेंट कब हुई थी ये? 1992 में अमेंडमेंट हुई थी। इसमें क्या किया गया? इसमें तीन लेवल में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन से? ग्राम पंचायत, जो सबसे निचला लेवल था, विलेज लेवल। फिर है मंडल परिषद। मंडल परिषद कौन सा? ब्लॉक लेवल का। कौन सा? ब्लॉक लेवल का। इसको हम और क्या क्या कहते हैं? ब्लॉक समिति भी कहते हैं, पंचायत समिति भी कहते हैं। और लास्ट जो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होता है वो कौन सा है? जिला परिषद, ठीक है। उसके बाद ये क्या लिखा है? इट वॉज फॉर्मलाइज्ड इन 1992 बाय द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट हमारे पास बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली हुआ क्या था कि दो प्रोग्राम चल रहे थे गवर्नमेंट के, एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ 1952 एंड दूसरा नेशनल एक्सटेंशन सर्विस ऑफ 1953। तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बलवंत राय मेहता को अपॉइंट किया था इन दो में इम्प्रूवमेंट और रेकमेंडेशंस के लिए। तो इम्प्रूवमेंट एंड रेकमेंडेशंस जब इनमें आई तो तब एस्टैब्लिशमेंट हुई पंचायत राज अमेंडमेंट बिल की, ठीक है। इस बिल को हम थ्री टायर बिल भी कहते हैं,
क्यों? क्योंकि इसमें तीन टायर बने थे, एक ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल पे बना था, एक पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे बना था, और एक जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बना था। अब हम बात करेंगे ये जो थ्री टायर सिस्टम है इसकी एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में होती है। तो अगर हम करें बात ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत में हेड होते हैं सरपंच, ठीक है, सरपंच ही वहाँ सारी एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं और ये 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पंचायत समिति, ये ब्लॉक पंचायत है, बेसिकली तहसील लेवल पे काम करती है। तो जो इसके हेड होते हैं ना वो यूजुअली कहाँ से, ग्राम पंचायत से जो सरपंच होते हैं वो भी आते हैं, और MP एंड MLA होते हैं जो एरिया के, वो भी इसके हेड बनते हैं, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं। बेसिकली ये क्या है, ये पंचायत समिति एक लिंक है, ठीक है, ये लिंक है एक ग्राम पंचायत और ज़िला परिषद के बीच में, जो लिंक आता है ना ये वो लिंक है। लास्ट है हमारे पास ज़िला परिषद, इसमें बेसिकली क्या है, ये सबसे एडवांस सिस्टम है। तो यहाँ पे जो IAS कैडर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं वो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करते हैं सारी। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ वुमेन इन पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस। तो 50% रिजर्वेशन वुमेन के लिए रखी गई है ऐसे इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। ये अगस्त 27, 2009 को यूनियन कैबिनेट ने पास किया था, अप्रूव किया था इसको 50% रिजर्वेशन। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके ऊपर क्या क्वेश्चंस बनते हैं। तो टोटल 5 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं आपके लिए, अगर आपको समझ आया है तो आप इन्हें अटेम्प्ट करेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में हर एक बच्चा करेगा अटेम्प्ट। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को शुरू से देखना, आपको ज़रूर समझ आएगा। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड फॉर पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया, इनमें से कौन सी कमिटी ने रिकमेंड किया था। नेक्स्ट है कि हाउ मैनी टायर आर देयर इन पंचायत राज सिस्टम, जो पंचायत राज सिस्टम है हमारा वो कितने टायर बेस्ड सिस्टम है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सा आर्टिकल डील करता है विद पंचायत राज सिस्टम। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास कि जो पंचायती राज सिस्टम था उसका मेन पर्पस क्या था। लास्ट क्वेश्चन है कि वुमेन के लिए कितनी रिजर्वेशन रखी गई है, ठीक है, 1/3 हो गया 33%, 1/2 हो गया 50%, 2/3 हो गया 66.67%, 1/4 हो गया 25%। तो इस लेक्चर से इतना ही, ये लेक्चर 9th था। अगर आपको समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ आया है तो एक बार फिर से देखिएगा। आई होप आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।